ଧୈର୍ଯ୍ୟ, କଷ୍ଟ ଓ ଦୁଃଖ ସହିବାର ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛି କରୋନା। ମିଶିକି ଜିତିବା ଭାଇରସ ସହ ଏହି ଲଢେଇ। ଆମେ କପଡ଼ା ବଦଳାଇବା ପରି ନିଜ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଉଛି କରୋନା। ଏ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ମହାମାରୀ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବୁ। ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଶ୍ୱାସନା। କରୋନା କାଳରେ ଟିକାକୁ ନେଇ କୌଣସି ଗୁଜବ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁନି, କେବଳ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କଥା ହିଁ ମାନନ୍ତୁ। 45 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବି ମିଳିବ ମାଗଣା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ। ଭାଇରସକୁ ଡରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସତର୍କ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, କରୋନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଦେଶର ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛି। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए हो, कोई और आशंका हो, तो सही सोर्स से ही जानकारी लें। आपके जो फैमिली डॉक्टर हो, आसपास के जो डॉक्टर्स हो, आप उनसे फोन से संपर्क करके सलाह लीजिए। मेरा आग्रह है कि वैक्सीन को लेकर किसी भी अफवाह में न आए। आप सभी को मालूम भी होगा कि भारत सरकार की तरफ से सभी राज्य सरकारों को फ्री वैक्सीन भेजी गई है, जिसका लाभ 45 साल की उम्र के ऊपर के लोग ले सकते हैं। अनेक परिवार निजर प्रियजन को हरई, तबे कोरोना जेते शीघ्र व्यापुची सेति की शीघ्र ठीक मध्ये होची। एहा सह समस्तंकु वैक्सीन नेबाकु अपील करिछंती प्रधानमंत्री। कार्यक्रम रे डाक्टरंक सह कथा होइछंती मोदी। करोना लड़े आग धाड़ी योद्धा कथा होते प्रधानमंत्री। करोना आक्रांत सेवा करुवा नर्स अनुभूति शुणी। देशर फार्मा इंडस्ट्री, वैक्सीन निर्माता, ऑक्सीजन प्रोडक्शन और मेडिकल सह जड़ित समस्त कथा को नजर रखा। राज्य केंद्र सरकार समस्त सहयोग जोगाई भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीन का जो कार्यक्रम अभी चल रहा है, वो आगे भी चलता रहेगा। मेरा राज्यों से भी आग्रह है कि वो भारत सरकार के इस मुफ्त वैक्सीन अभियान का लाभ अपने राज्य के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। कोरोना रो द्वितीय छड़ देश को दोहलाई देछि, किंतु यह विरोध रे देश को एकाची होई लड़िबा को हेबो। आमे खूब शीघ्र एहि महामारी रु मुक्त होई परिबा। मन की बात रो 76वां संस्करण रे देशवासी को एभली मंत्र देछंती प्रधानमंत्री। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।